नोएडा से है जहां हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट आया है। सातवां आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सातवें आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। तो ये बड़ा अपडेट, जहां सातवें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था और तलाश जारी थी बाकी लोगों की कि कौन कौन मालिक है और आसपास की दुकानें जहां पर लगातार पटाखा बनाने का काम चल रहा था वहां से सामग्री जब्त की गई थी। और अब सातवें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे ब्लास्ट में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल भी हुए। आरोपियों की तलाश जारी, जिसके बाद अब सातवें आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। सातवें आरोपी का नाम आयुष गर्ग है, जो जिसे गिरफ्तार किया गया है। पटाखा फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल की पत्नी के भाई का बेटा है आरोपी आयुष गर्ग, और पहले भी 6 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। सिविल लाइन थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रवीण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, सातवें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो फटाखा पेटी फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, उसके बाद से ही लगातार गिरफ्तारियां, आरोपी भी चल रही है। अभी तक इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी थे सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल जो फैक्ट्री मालिक थे, उनके साथ लगभग 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए थे। आज हरदा के जो सिविल लाइन थाना पुलिस है, उन्होंने एक अन्य आरोपी उसको गिरफ्तार, आयुषगर्ग जो है इसके नाम से भी यहाँ पर फटाखा फैक्ट्री के लाइसेंस थे, और ये जो है आरोपी जो राजेश अग्रवाल जो फटाखा फैक्ट्री का मालिक था, उसका रिश्तेदार है, उनकी जो पत्नी है उनके भाई का बेटा है ये, और पुलिस ने आज इनको गिरफ्तार कर लिया है और लगातार इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई जारी है। जी, क्या ये पूरी फैक्ट्री पार्टनरशिप में चल रही थी और जिसे गिरफ्तार किया गया है वो भी इसका पार्टनर था? प्रवीण, जी हाँ, ये जो पूरी जो फैक्ट्री थी इसमें लाइसेंस अलग अलग नाम से थे, और ये जो राजेश अग्रवाल जी काफी शातिर आदमी था, इसने अपने रिश्तेदार जो थे उनके ही नाम से ही जो है अलग अलग लाइसेंस ले रखे थे और ये फैक्ट्री संचालित कर रहा था। मतलब की पीछे अगर हम देखें तो राजेश अग्रवाल ही इसका मुख्य कर्ता रहता था, लेकिन उसने लाइसेंस जो है अलग अलग नाम से ले रखे थे। चूंकि इन लोगों के नाम से लाइसेंस थे और कानूनी प्रक्रिया के तहत इन लोगों की भी गिरफ्तारी इसलिए हो रही क्योंकि इन लोगों की भी लाइसेंस थे और इस भी राजेश अग्रवाल के साथ ये भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे इस मामले में, इसको लेकर जो है पुलिस सक्रिय हुई और इन लोगों को भी गिरफ्तार किया। जी, कड़ी से हर कड़ी जोड़ी जा रही है। अभी इस पूरे मामले में अभी और कितनी गिरफ्तारियां होना बाकी है? जी, अभी जो हमारे सूत्रों ने जो हमको जानकारी दी थी, लगभग इस पूरे मामले को लेकर एक एसआईटी कमेटी एसआईटी बनाई है शासन के द्वारा, और लगभग इसमें 200 लोगों के बयान इसमें जो पुलिस और जो एसआईटी टीम है वो लेगी, और इससे निश्चित तौर पे इसमें आरोपी की संख्या काफी बढ़ेगी क्योंकि ये बारूद इतनी बड़ी मात्रा में कहां से लाता था, किन लोगों को ये गलत तरीके से फटाके बेचता था, इन लोग इस तथ्य पे भी जो है पुलिस जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण जानकारी साझा करने के लिए। तो सातवां आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी अभी भी जारी है।